आजिर खबर को आपनको स्वागत करुछि मु स्वाति। संपूर्ण खबर देखैबा पूर्वरु आसंतु नजर पकैबा हेडलाइन्स उपरे। नदीबंधर उभय पार्श्व फाटिया, नदी रे बन्या हेतु आतंकित नदीकूलिया लोक। भाईचारार सहर कटक रे धूमधाम सहकारे ईद पालन। बालेश्वर बाल्यापाड़ विभिन्न पान गुटखा दुकान ने चढ़ाऊ सह फाइन आदाय। नकली नोट कारबार अभियोग रे जड़े युवक गिरफ। एथर आसंतु जानिबा संपूर्ण खबर विषय रे। गोप ब्लॉक मध्यदेय कुशभद्रा नदी प्रवाहित हेउथिबा स्थले नदी रे बन्या आसिले नदीकूलिया लोकमाने भयभीत अवस्था रे रुहंती। कारण एठारे आखिरे अंध पुटुली भाली दूतराष्ट्र साजिछंती प्रशासन। 2011 मसीहारे कुशपुरठारे ओडिशार बड़ घाई होई अनेक धन जीवन नष्ट होइतिला। उक्त स्थानरे सृष्टि होइतिबा घाई जहाँ राज्यठारु जातीय गणमाध्यमरे प्रसारित हेबा सहित जातीय विपत्तिर आख्या मध्य पाइथिला। आउ सेबेठारु उक्त नदीरे अनेक थर बन्या मध्य आसिलाणी। एही स्थानरे छोट बड़ घाई मध्य सृष्टि होउछि। एणु एथिपाई राज्य सरकारंक तरफरु नदीबंधर सुरक्षा एवं नवीकरण निमन्ते प्रति वर्ष कोटि कोटि टंका व्यय बराद होइथाय। किंतु दुख एवं परितापर विषय एहिकि जे जेते थर बंध मरामति हेउछि अबा नवीकरण कराउछि किंबा बंध प्रशस्तीकरण कराउछि सेतिपाई पाणी भळी अर्थ खर्च हेउछि सत। किंतु पूर्वरु नदीबंध जेउभळी असुरक्षित रहिथिला आज भी ठीक से ही भाई अवस्था ही पड़ी रही। कार्य होता समय जदि विभागीय जंत्री किंवा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहुथांते तेबे समस्या एपरी सृष्टि होइ नथांता। साधारण चर्चा होउछि जे केते परणरे पशी कारबार होउछि जे नदीबंध एते असुरक्षित रहुछि। नदीबंधर सुरक्षा एवं रक्षणाबेक्षण आदि कार्य राज्य सरकारंक अधीनस्थ जल सचेतन विभाग द्वारा ही करा जाइथाय। ताहा पुणि वर्षकु थरे जेतेबेले नदीरे बन्या आसे सेतेबेले विभागीय अधिकारी माने दृष्टिगोचर होइथांति। एबे अवशिष्ट समयरे विभागीय अधिकारी माने गो परे थिबा कार्यालयरे रुहंती ही नाही। अन्यपक्षे मध्य विभागीय अधिकारी गो परे थिबा कार्यालयरे रहुनथिबा जोगु अधीनस्थ तळ कर्मचारी मानंकु कंकडाकु गोळीपाणी सदृश बोली होइथाय। गो परु देवासी सेटिंग रिपोर्ट डीटीबी ओडिया। मुसलमान संप्रदायक पवित्र ईदुल जुहा पाई चलचंचल हो उठिता पूरपल्ली। भाईचारार सहर कटक पर्व को अति धूमधाम सहकारे पालन करा जाइछि। सकाळु सहरर विभिन्न मस्जिद गुड़िक उत्सव मुखर हो उठिता। दरगा बजार स्थित ऐतिहासिक कदम रसुल मस्जिद रे समूह नमाज पाठ करिथिले मुसलमान भाई माने। छोट पिलांक ठारु आरंभ करी युवक एवं वयस्क व्यक्ति माने समूह नमाज पाठरे सामिल होइ निजर भगवानंक निकटरे प्रार्थना करिथिले। नमाज परे परस्पर को ईद मुबारक जणाइथिले। समस्ते मासक उपवास बा रोजा रखिबा परे उपवास भांगी निज संप्रदायक पर्व को जाको जमकरे पालन करिछंती मुसलमान भाई माने। ईद पर्व थिबारु सहररे भाईचारार निदर्शन देखिबाकु मिलिथिला। हिंदू मुसलमान भाई माने एही पर्वरे सामिल होइथिले। परस्परंक मध्यरे भाईचारा अटुत रखिबा सहित ईद्र अभिनंदन जणाइथिले सभी। एथिसहित मासे उपवास रखिबा परे घरे घरे खुशीर माहौल सृष्टि होइथिला। एथिसहित विभिन्न सुस्वादु व्यंजन मध्य घरे प्रस्तुत करा जाइथिला। तेबे चांद देखिबा परे ईद को पालन करिबा पई समस्ते निष्पत्ति नेइथिले। त्याग बलिदानर पर्व हेउछि ईद पर्व। सीएमसी मेयर सुभाष सिंह, एडीसीपी अनिल मिश्र, शेख शरीफुद्दीन, पूर्वतन विधायक देवाशीष सामंतराय समस्त अतिथि भाव में जोगदे ईद पाई समस्त मस्जिद गुड़िकरे पुलिस प्रशासन पक्षर व्यापक व्यवस्था करचारू रूप से व्यवस्था होनाई से संपर्क में बुली परिदर्शन करते। कटक्रु जावेद अहमद रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। अबकारी विभाग और पुलिस हेल्थ फैमिली वेलफेयर तरफ विभिन्न पान गुठका दुकान उपरे चढ़ाऊ करा जाई फाइन आदाय करा जाई छी। सूचना अनुजाई राज्य सरकार गुटखा बिक्री उपरे रोक लगाई थिले मध्य एहाकु खुलाम खुला अमान्य करी राज्य रे बिक्री चली छी।
बालेश्वर जिला बाल्यपाल थाना अंचल रे बेआईन भाव में विभिन्न दोकान रे बेआईन भाव में पान मसला एवं गुटखा बिक्री हो आसुवा बेले बस्ता अबकारी बाल्यपाल पुलिस बालेश्वर अबकारी विभाग एवं हेल्थ फैमिली वेलफेयर 8 जणिया टीम मिलित भाव में बाल्यपाल अंचल रे रहितबा विभिन्न पान एवं गुटखा दोकान पर चढ़ाऊ करी मोटा अंकर फाइन आदाय करथुबार देखिबाक मिलिछि। जलेश्वर प्रदीप कुमार जेना रिपोर्ट डीटीबी ओडिया। नकली नोट कारपार करथुबा बेले रिसीडा गाँव में इमरामपुर थाना पुलिस जन को गिरफ्त करने सहित ताठारु 200 टंकिया 100 खंड नकली नोट सह से व्यवहार करथुबा एक मोबाइल फोन को जबत करछथि। समुदाय 20,000 टंका जबत होइछि तांकठारु। गिरफ्त जनक हेले कलाहांडी जिला इमरामपुर थाना कल्लामुंडा ग्रामर कुंदलपाली गाँवर वीरेन्द्र सुना बोली पुलिस सूचना देखते। वीरेन्द्र संध्या समय रिसीडा गाँवर मेडिकल निकट में एक कला रंगर पलिथिन ने नकली नोट धरी छिड़ा होता बेले कौन सूत्र इमरामपुर पुलिस खबर पाई पुलिस ता निकट में पहुंचा आर ताठू 200 टंकिया नकली नोट 100 खंड एवं व्यवहार करुवा एक मोबाइल फोन को जबत करने गिरफ करी एक मामला रुजुरी कोर्ट चालन इमरामपुर थाना परिसर पक्षर सूचना मिली। सांबादिक सम्मेलन में केसींगा एसडीपीओ रोहित वर्मा गणमाध्यम को ए संपर्क में सूचना देखते। कलाहांडी सुशांत मल्लिक रिपोर्ट डीटीबी ओडिया। नीलाखेला सारी रत्न मंडप को फेरी भाई भौणी सहित कालिया ठाकुर ऐतिह परंपरार धाम छतिया रथजात्रार 9 दिन पर मौसीमा मंदिर बड़ घुमुरी छतिया को फेरी तीन दिय नीतिकांति संपन्न सहित खीरी खेचेड़ी भोग खाई भजन कीर्तन मध्यम शह शह भक्तों भिड़े मौसीमा मंदिर छतिया मंदिर को फेरती ग्रह। जाजपुर जिला पुलिस प्रशासन उभय बणा पुलिस सहयोग एथस चंडीखोल अग्निशम विभाग बड़चणा स्वास्थ्य विभाग बड़चणा विद्युत विभाग एवं दर्पण तहसिल प्रशासन मिलित सहयोगे बड़ घुमुरी मौसीमा मंदिर प्रांगण तीन रथ टणा आरंभ हो जातीय राजपथर दीर्घ 11 किलोमीटर पर छतिया मंदिर में पहुंचार व्यवस्था करा तबे कहुए छतिया मंदिर रथजात्रा जहाँ एशिया महादेशर प्रथम रथजात्रा जहाँकि जातीय राजपथर 11 किलोमीटर गढ़ी थाए आउ दृष्टि रखी प्रशासन मध्य सजग रही थे। सकाळ उठी नीतिकांति पूर्व निर्धारित समय अनुसार ता सहित पहुड़ी मध्य रथ ठीक समय रे टणा जाए व्यवस्था करा सुचारू रूपे संपन्न करा वर्तमान बलदेव रथ महा सुभद्रा रथ टणा हो सी एवं कालिया रथ टणा हो नीतिकांति ठीक आज्ञा चली सका खेचुड़ी धूप बारटा नीति धूप संध्या बेले बाल्यभोग आगुरु जो मैंने कमिटी थे बुझाणा करते सी अवहेला करते आम नुआ सरपंच जी बहुत पैसा खर्च कर मैंने नीतिकांति चल 500-700 लोक दिन खाऊँच। जाजपुर बड़चणारु तापस मिश्र रिपोर्ट डीटीबी ओडिया। विलंबित रात्र रे पहुड़ सहित समाप्त होता चतुर्द मूर्ति बाहुड़ा यात्रा कौन सी कारण श्रीक्षेत्र पुरी जापार भक्त देश तथा देश बाहर अनुषित होता बाहुड़ा यात्रा रे निजक सामिल करने को किंतु पछाई नथिले। एही अवसर रे भुवनेश्वर स्थित यूनिट 6 प्रसिद्ध श्री राधाकृष्ण मंदिर रही चलचंचल रथयात्रा दिन राजीव भवन निकटस्थ श्री चंडेश्वर मंदिर तथा जगन्नाथ मंदिर आसीतिबा रथ एही राधाकृष्ण मंदिर पुनर्बार बाहुड़ी प्रातः कालरु महाप्रभु विभिन्न नीतिकांति समाप्त होगापर चक्रराज सुदर्शन यहपर बड़ भाई श्री बलभद्र महाप्रभु रथ उपरको निया यहपर आसीथिले भौणी माँ सुभद्रा आउ परिशेषरे भक्त मानक उत्कंठार अवसन घटाई ताहियारे सज्जित होई कालिया सांत घंट घंटा एवं हुरहुरी हरिबोल ध्वनि मध्यरे रथ उपरकु विराजमान करथिले। एही पहंडी समयरे सेवायतंक द्वारा चतुर्द मूर्तिंकु भोग नैवेद्य अर्पण कराजिबा सहित आळती प्रदान करा जायथिला। एही समस्त नीति परे रथ उपरे छेरा पहरा करा जायथिला आउ परिशेषरे अश्वगुड़िक जोड़ा हेबा परे चारमाळ खोला जायथिला। एहा परे बिजे काहाड़ी बाजी उठिबा खेणी सेठारे उपस्थित आबाळ वृद्ध बनिता
रथटी को महा आनंदर उत्साह मध्यरे टाणी नहीं रथ दौड़ीटी को टिके स्पर्श करने लगी समस्त श्रद्धालु मध्यरे नाही नथिबा उत्साह एवं उद्दीपना लागी रही थिला। तबे पूजकंक मंत्र उच्चारण एवं डाहुकंक डाकरे समस्त भक्त एकाकार होई संध्यारे रथटी को एजी ऑफिस पछपास्तरे थिबा श्री जगन्नाथ मंदिर सम्मुखरे आनी लगाइथिले। सेठारे मध्य बहु जनसमागम होइथिला। महाप्रभुंक टिके दर्शन लाभ करिबा पई अनेक भक्त सेठारे उपस्थित होई दीप दूप अर्पण करिथिले। एहा परे मध्य रात्ररे आळती करा जाय रथ उपरे दियंक पहुड़ करा जाय थिला। ए 6 नंबर स्थित राधाकृष्ण मंदिर रे आम जगन्नाथ मंदिर कर एठी बाहुडा यात्रा हेतला। मां ठाकुर आसे एठी 9 दिन रहितले। कि आनंद कि अपूर्व से लीला प्रकृतिरे से मानवीय लीला रे प्रभु आमको समस्त को बांधी रखिसंती। आज बाहुडा यात्रा रे ठाकुरंकर बहंडी हेला रथारूढ़ मध्य हेले आमे निजे रथा मध्य टाणिलु खूब आनंद पहुँची सर बर्तन रथ बुढ़ा चल आप जो श्रृंखला कथा कहते हैं तो इलेक्ट्रिक बाला आसवे आप तार पर जहाँ तुझे करेंगे पुलिस प्रशासन आसो से भक्त मैंने तार आरक्षा भक्त मान सुरक्षा। ब्यूरो रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। एकाम्र क्षेत्र भुवनेश्वर विभिन्न स्थान में गतकाली संध्यारे श्रीक्षेत्र परी अधर्पणा नीति अनुष्ठित हो जाएछि। एही अवसर रे यूनिट 5 स्थित राजीव भवन निकटस्थ श्री जगन्नाथ मंदिर रे एही नीति अत्यंत आध्यात्मिकमय परिवेश रे संगठित होइतिला। मंदिर रे संध्या धूप शेष होबा परे एही नीति रथ उपरे कडा जाइतिला। मंदिर पक्षरु अधर चुंबित हांडी रे सुगंधित पणा प्रस्तुत करा जाय पूजकंक द्वारा रथ उपरकु निया जाइतिला। एहा परे सेठारे एगुडीकु चतुर्दा मूर्तिंक निकटरे भोग नैवेद्य करा जाय बहु प्रतीक्षित आळती प्रदान करा जायतिला। एहा परे एही पणाजुक्त हांडीगुडीकु रथ उपरे एवं पार्श्व देवादेवीक उद्देश्य रे भंगा जायतिला। रथरे थिबा अन्य देवादेवी तथा चंडी चामुंडा एवं असुरीक उद्देश्य रे एहा समर्पित होइतिला। एही अलौकिक दृश्यकु अवलोकन करिबा पई रथ निकटरे बहु श्रद्धालुंक समागम होइतिबा देखिबाकु मिलिथिला। एहा छोडा सेमानंक हरिबोल हुळहुळी एवं घंटो घंटार पवित्र ध्वनि मध्यरे एहा समापन होइतिला। एही समस्त नीतिकांति मंदिरर वरिष्ठ सेवायत एवं मंदिरर परिचालन कमिटीर समस्त सदस्यंक सहयोगरे संपन्न करा जायतिला। ब्यूरो रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। दीर्घ दिनरु अवहेलित अवस्थारे पड़ी रहितिबा पेटानाळ विशेष भाबरे मरकत नगरवासीक पई अनेक समस्या सृष्टि करिबा विषय रे समस्तंकु बेस जणा थिबो। एहार पुनरुद्धार एवं सौंदर्यकरण पई जनसाधारणक तरफरु बारंबार दाबी होइ आसुतिला एवं एथिपई कटकर बारबाटी विधायक क्रमागत भाबरे विधानसभा रे दाबी मध्य जणाइथिले। एहा परे समस्त दीर्घ दाबी परे सरकारंक तरफरु एथिपई 37 कोटी टंका मंजूर करा जायछि। तबे इतिमध्यरे पेटानाळर काम आरंभ होइ सारलानि। तबे आजि संतुका पैलेस सेक्टर 9 रे पेटानाळर पुनरुद्धार एवं सौंदर्यकरण कार्यकु अनुमोदन करिबा दिगरे तांकर उल्लेखनीय उद्यम एवं अवदान पई विधायक इम मोकिमकु संबोधित करा जायथिला। विधायक नाळर कार्य बुली रेखिथिले एवं एही कार्यरे मरकत नगर विकास परिषदर आवाहक वृद्ध हेले वृंदावन राउतराय प्रदीप कुमार साहू किशोर कुमार प्रधान संतोष कुमार पलाई सत्यनारायण दास वासुदेव मिश्र सुभाषिष मिश्र गौतम कुमार पंडा सौम्यरंजन पटनायक चक्रधर मिश्र गंगाधर नायक एवं समस्त स्थानीय बासिंदा उपस्थित रही। कटकरु जावेद अहमद को रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। कटक महानगर निगम रो ऑफिस सामने रे थिबा शहीद भवन एवं कल्याण मंडप रो नवीकरण पई
पूजा अर्चना होई शुभ दि जाइछि। प्राय 30 वर्ष पर शहीद भवन रो नवीकरण कार्य आरंभ हेबो, तेबे एही बाबदरे 30 कोटी टंकार खर्च करा जिवो। एही जगारे बहु मान्यगण्य व्यक्ति मध्य आसिछन्ति। बुद्धिजीवींक ठारु आरंभ करि सहरर अनेक सभा समिति एही टारे ही होइथाय। तेणु एहाकु देखि एहार समस्त बसिबा ठारु आरंभ करि उपर बालकनी कार्य, संपूर्ण सेंट्रल एसी सिलिंग, एहार शौचालय कार्य संपूर्ण बदला जिवो। एहा सामनारे थिबा निगमर कल्याण मंडप मध्य नवीकरण करा जिवो। एही कार्य 6 मास भितरे संपूर्ण हेबो बोली कहिछन्ति मेयर सुभासी। एही पूजा शुभ कार्यक्रमरे मेयर को सहित कटकर बारबाटी विधायक इम मोहम्मद मुकिम, महानगर निगमर कमिशनर निखिल पवन कल्याण एवं निगमर समस्त अधिकारी उपस्थित रहिथिले। ରେଡ଼ିଓ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ସେଇଟା ନୁହଁ, ସବୁବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିକାଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଶହୀଦ ଭବନ କଲ୍ୟାଣ ମାର ମନେକରି ଜାଣିଥିବେ ଶହୀଦ ଭବନ ହେରିଟେଜ୍ ସେଣ୍ଟର୍, ସେଇଟାକୁ ନିହାତି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦରକାର। ଆଜି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଇଟି ଅନ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କାମ ହେବ ଆଉ କଟକର ସବୁ ସ୍ୱଭାବ ଅଛି। ଆଜି 2 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଜି ହେଲା, ବିଲ୍ଡିଂ କରି ଶହୀଦ ଭବନ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଅବସର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଜାଗା କଥା, ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରମୁଖ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର୍ ହେଉଛି ଆମ ଶହୀଦ ଭବନ। ସବୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କର ସବୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ସେଠି ହୁଏ। ତା'ର 30 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରିନୋଭେସନ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛୁ, ତ ଉପର ତଳ ଏବଂ କପମ୍ ନୂଆ ରୂପରେକୁ ଯିବ। ସବୁ ବାଥରୁମ୍ ଏପରିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ମହିମା ଆସନ୍ତି, ବି ପୁରା ବାଥରୁମ୍ ଟିପ୍ଟପ୍ ନଥାଏ। ତା'ର ଟୋଟାଲ୍ ପାଖାପାଖି 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଉଛି, 6 ମାସ ଭିତରେ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସାରିବେ। ତା'ର ଗୋଟେ ବଡ଼ ନବୀକରଣ ଆମର ମେଜର୍ ପ୍ରପର୍ଟି କୁହନ୍ତୁ ୟା ଆମର ଆସେଟ୍ସ କୁହନ୍ତୁ, ଶହୀଦ ଭବନ, ମେଜର୍ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ଆଣ୍ଡ କନ୍ଭେନ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଆଣ୍ଡ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଭଲ ଚାଲିକି ଏବେ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ହୁଏ, ଆମକୁ ରେଭେନ୍ୟୁ ବି ଆସେ। ବଟ୍ ଯେମିତି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ ଲେଭେଲ୍ରେ ହେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ରେ ଲୋକସେବା ଭବନ ଦେଖନ୍ତି କେଉଁ ଭଳିଆ ଲେଭେଲ୍କୁ ଆସୁଛି, ଆମେ ବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ସୋ ଆଗରୁ ବି ଆମେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ବଟ୍ ଆଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଏବେ ନେଇଥିଲୁ, ଏଣ୍ଟାୟର୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ଡ ଏସି, ହ୍ୟୁଜ୍ କ୍ୟାନ୍ଭାସ୍ ଫସାଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ମିଟିଂସରେ ଆମକୁ ଫିଡ଼୍ବ୍ୟାକ୍ ମିଳୁଥିଲା, ସ୍ପେଶାଲି ସେଇ ଫିଡ଼୍ବ୍ୟାକ୍କୁ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆମେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରିଛୁ। ସୋ ୱିଦିନ୍ 6 ମନ୍ଥ ଏ 2 ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ଟ ଆମେ ଆଣିବୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଇଏଷ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସେମାନେ କରିପାରିବେ। କଟକରୁ ଜାଭେଦ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, DTV ଓଡ଼ିଆ। ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଟର ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଟାଇକଣ୍ଡେ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଅଡିଟୋରିୟମ୍ କଟକଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ସ୍କୁଲର ପ୍ରାୟ 120 ଜଣ ଖେଳାଳି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏସେନ୍ ଟାଇକଣ୍ଡୋ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁପର ସବ୍ ଜୁନିୟର, ସବ୍ ଜୁନିୟର, କ୍ୟାଡେଟ୍ ଏବଂ ଜୁନିୟର କିରୋଗି, ପୁମ୍ସା, ସ୍ପିଡ୍ କିକ୍ ଏବଂ 8 ଷ୍ଟେପ୍ ପୁମ୍ସା ବର୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ବୟସ ଶ୍ରେଣୀର ବିଭିନ୍ନ ଇଭେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଖେଳାଳିମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଉଦ୍ଯାପନୀ ସମାରୋହରେ କଟକର ବିଧାୟକ ଇମ୍ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଚିବ ଶ୍ରୀ ଉଦୀପ ଫୁଲଟନ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଶ୍ରୀ FC ନଥ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆୟୋଜକ ଏସ୍ଏନ୍ ଟାଇକଣ୍ଡେ ଏକାଡେମୀ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଦାପ୍ତ ନନ୍ଦା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କଟକରୁ ଜାଭେଦ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, DTV ଓଡ଼ିଆ। ଡମ୍ପର ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାର ମୃତ୍ୟୁ। ସାଇକେଲରେ ଘରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଡମ୍ପର। କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କମର୍ଦ୍ଧା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ନହରା ଛକରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନହରା ଗ୍ରାମର ଅନିତା ସେଠୀ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସାଇକେଲରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ପଟୁ ଜଳେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ଏକ ଡମ୍ପର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ଅନିତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଅନିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଡମ୍ପରକୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଜଳେଶ୍ୱର SDPO ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, DTV ଓଡ଼ିଆ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରିସିଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥିତ ରିସିଡ଼ାଠାରେ ମହାସମାରୋହରେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଅର୍ଥାତ୍ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା।
गत 3 वर्ष पर रथरूढ़ चतुर्थ मूर्ति को दर्शन करिसंती भक्तगण। रथ टाणीबार सुजोग मध्य पाइछंती श्रद्धालु। भक्तमय होइपड़िछि समग्र ऋषिडा ग्राम। सत्ते जेमिति लागुछि ऋषिडारे भक्ति एवं भक्तर महामिलन होइछि। बाहुडा यात्रा पाई चलचंचल होइपड़िथिला समग्र ऋषिडा अंचल। रथ टाणीबा पूर्वरु शेषरे जगतर नाथ जगन्नाथंक सम्मुखरे दंडायमान रहिथिला रथ। हरिबोल हुळहुळी घंट शंख संकीर्तन एवं वाद्यर ताले ताले बड़ दांड कंपि उठिथिला। उच्छुळी उठुथिला समग्र अंचल। प्राय 10,000 लोकंक जनसमागम देखिबाकु मिलिथिला। महाप्रभु जगन्नाथ रथरे भाई भौणीक सह गुंडीचा मंदिररु बड़ देउळकु प्रत्यावर्तन करिछंती। ब्लॉकर प्रसिद्ध ऋषिडा महाप्रभु श्री जगन्नाथ श्री गुंडीचा मंदिररु अपराह्न 4 घटिका समयरे पहंडी भिजे सहित प्रजापति भोई खल्याकर रणा छेरा पहरा करिथिले। नाभिपिता दायित्वरे क्षीरसागर रणा रहिथिले। सारथी एवं डाहुक दायित्वरे दिनमणि साहू संतोष साहू और परे मंदिरर सेवायत दीनबंधु गौड़ देवेन्द्र रणा दिलीप रणा रोहित साहू शत्रुघ्न रणा निमाईचरण साहू महेन्द्र प्रधानी द्रुमत रणा समेत शह शह भक्तों द्वारा रथ टणा जाइथिला। मंदिरर ट्रस्टी बोर्ड तरफ भक्त मानक निमन्ते प्रसाद सेवनर व्यवस्था मध्य करा जाइथिला। ऋषिडा पुलिस पक्षरु शांति श्रृंखला रक्षा निमन्ते व्यापक कड़ाकड़ी व्यवस्था मध्य ग्रहण करा जाइथिला। एथिरे रथयात्रार पूजा कमिटी सभापति शिवलाल केडिया संपादक अंतर्जामी साहू उपसभापति प्रेमानंद पात्र सरपंच सेवती रणा पानीय जल जोगाण दायित्व थिबा नायक सरपंच नरेश दास समिति सभ्य सिनु बेहरा सांस्कृतिक कार्यक्रम संकीर्तन दायित्व थिबा सुशांत मल्लिक हिमांशु रणा पंचु रणा धारा बिवरणी दायित्व थिबा हेमाद्री भोई कंबुपाणी साहू निरोत्तम सेल्मा प्रमुख उपस्थित रही समस्त कार्य परिचालनारे सहयोग करथिले। पूजक दायित्वरे मधु दास अशोक त्रिपाठी मनु दास विभूति दास सूर्यमणि मिश्र जदुमणि मिश्र सनक दास देवु त्रिपाठी प्रमुख पूजा दायित्वरे थिबा बेले महाप्रभुंक पंचदिनात्मक पूजा सारी रथ टणा कार्य आरंभ करथिले समस्ते। ऋषिडा पूजा कमिटी तरफरु बड़दाण्ड ठारु घंट संकीर्तनर ताले ताले महाप्रभु ऋषिडा मौसीमा मंदिररु निज बड़ देउळकु प्रत्यावर्तन करथिले। आउ एही परिप्रेक्षीरे संपूर्ण सहयोग करथिले मौसीमा मंदिर परिचालना कमिटीर प्रमुख पद्म किशोर साहू पार्थ साहू दुकामणि साहू संजय जैन दायित्वरे रहिथिबा बेले संध्यारे विभिन्न सांस्कृतिक एवं संकीर्तन भजन समारोह कार्यक्रम अनुष्ठित करा जाइथिला। आजि बहुत खुशीर माहौल खुशीर माहौल आज ऋषिडा आज भक्त आज महासमुद्र जनसंख्या आज जनसमुद्र आज पलटी जाता है। ऋषिडा आज बड़दाण्ड आज तक लीलाखेल सर आज माँ मौसी मंदिर लीलाखेल सर आज तक रत्नवेदी को महाप्रभु जगन्नाथ विराजमान करते आवसर में आज बर्तमान लोकं भक्त मानी खुशीर खुशीर वातावरण आज गुड़ आसी रथयात्रा बहुत बढ़िया भाव है बहुत समा भक्त बहुत समागम था माँ भौणी भाई समस्त बहुत संख्या जोदान करते शांति श्रृंखला सहित एवं जस्ट आम महाप्रभु को आम रत्न नेलु और समस्त बहुत सहयोग रही है। अच्छा ये बर्ष रथयात्रा बहुत लोक समागम भक्त समागम होते आमर गुंडिया यात्रा बड़ा बहुत समागम होते बहुत कलाहांडी सुशांत मल्लिक रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ସର୍ବସାଧାରଣ ରାସ୍ତାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ କୁଜଙ୍ଗ ବିଡ଼ିଓ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ପ୍ରାଣୀଗ୍ରାହୀ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ନିକଟରେ ବିଡ଼ିଓ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବାର ଦୃଶ୍ୟ କଏଦ ହୋଇଛି ସିସିଟିଭିରେ। ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖ ଦିନ 5T ସଚିବ ବିକେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏଭଳି ଆଚରଣକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବିଡ଼ିଓ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଥିବାର ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଡ଼ିଓ ପଛକୁ ଫେରି ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଗାଳି କରି ମାଡ଼ ଖାଇଥିବା ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ କୁଜଙ୍ଗ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଅଞ୍ଚଳର କୁନା ଦାସ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିଜକୁ ଲେଖକ ଏବଂ ସ୍ତମ୍ଭକାର କହି ପରିଚିତ କରୁଥିବା ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ
ପୂର୍ବରୁ କୁଜଙ୍ଗ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ସଂସ୍କୃତି କାହା ବୋପାର ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ ବୋଲି କହି ନିଜର ଅସଲ ବିଜ୍ଞତା ଦେଖାଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ମାଡ଼ ମାରି ନିଜର ମୂର୍ଖତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ସରକାରୀ ପଦାଧିକାରୀ ନିଜର ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭୁଲି ଏପରି କରିଥିବା ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଉ କହିଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି 5T ସଚିବ କୁଜଙ୍ଗ ଗ୍ରସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବିଡିଓଙ୍କ ଏପରି ହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କୁଜଙ୍ଗରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, DTV ଓଡ଼ିଆ। ଦୀର୍ଘ 10 ଦିନ ହେବ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଣ ହେଉନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ନିକଟସ୍ଥ ବାନ୍ଧୁପଲା ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ଖାଲି ଗରା ମାଠିଆ ଧରି ରାୟପୁର ବ୍ରହ୍ମପୁରର 68 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପାଣି ଯୋଗାଣ ନ ହେବା ଯାଏଁ ଏହି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧରୁ ଉଠିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ଲୋକେ ତାଙ୍କର ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଜି ଆମର ବାନ୍ଧୁପଲା ପଞ୍ଚାୟତରେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଥିଲୁ ଏଇଟା ପାଣି ସମସ୍ୟା ନେଇକରି, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର 10 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣ ଗାଁରେ ପାଣି ନିଆ ହେବା, ଯେନ୍ଟାକି ମନେ କରୁନ୍ ଆମର ଦେଶିଲରେ ଟାଙ୍କି ଅଛେ ପାଣି ଟାଙ୍କି, ବାନ୍ଧୁପଲା ଦେଇକରି ପାଣି ଯାଉଛେ, ଦେଶିଲରେ ବି ପାଣି ପଡ଼ୁଛେ, ଟିଟିଲାଗଡ଼କେ ବି ପାଣି ଯାଉଛେ, ହେଲେ ବାନ୍ଧୁପଲାରେ ପାଣି ଟୋପେ ନେଇ ପଡ଼୍ବାର। ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖୁନ୍ ଖରାଦିନ ସର୍ବାର ନେଇ ଚାଲିବି, ଆମର ବୋରିଂ ମାନକେ କୁଆଁ ମାନକେ କେନ୍ସି ଜାଗାରେ ନଦୀ ନାଳା ପାଣିରେ ସେନେ ବି ପାଣି ନେଇନ, ଗାଧବା ଟିକେ ବି ଲୋକେ ପାଣି ନେଇ ମିଲ୍ବାର, ଗାଧବାଟା ତ ଛାଡ଼ୁନ୍ ପିଇବାର୍ ଲାଗି ବି ପାଣି ଟିକେ ନେଇ ମିଲ୍ବାର, ସେ ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ଆଜି ଆମର ମାନେ ଗାଁର ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ମାନେ ISC ସାର୍ ଆସିକରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ ଯେ ମୁଇଁ ଜେଇକେ ଡାକି ଦେଉଛେ, ଆଉ ସେ ଜେଇକେ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଯେନ୍ଟା ଅଛି ଆଉ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଜେଇ କରିବେ ବୋଲି ଜେଇକେ ଆମେ ବହୁତ ଥର ଡାକି ଦେଖିଲୁ, ସେ ନେଇ ଆସିଲେ, ସେଥିଲାଗି ଆଜି ଆମେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରୁଛୁ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ମୋହିଜେନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, DTV ଓଡ଼ିଆ। ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଉପରେ। ନଦୀବନ୍ଧର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଫାଟିଆ, ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ହେତୁ ଆତଙ୍କିତ ନଦୀକୂଳିଆ ଲୋକ। ଭାଇଚାରାର ସହର କଟକରେ ଧୁମଧାମ ସହକାରେ ଇଦ୍ ପାଳନ। ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳର ବିଭିନ୍ନ ପାନ ଗୁଟ୍ଖା ଦୋକାନରେ ଚଢ଼ାଉ ସହ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ। ନକଲି ନୋଟ୍ କାରବାର ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଗିରଫ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଠି ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।